हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज किस पर्टिकुलर वीडियो में, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं अमूल की तरफ से आने वाला अमूल कूल केसर फ्लेवर, तो इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी एमआरपी क्या होती है, इसकी नेट वेट क्या होती है, इसका टेस्ट क्या होता है और इसमें इंग्रीडियंट क्या, सारी चीज़ें दी जाती है। और आप लास्ट में आप लोग को बताऊंगा कि आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना और नीचे प्यारा सा ही कमेंट कर देना, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अमूल की तरफ से आने वाला अमूल कूल केसर, इसके एमआरपी की बात करें तो 20 रुपीज़ जो इसकी एमआरपी होती है। और इसके नेट वेट की बात करें तो ये एमएल में आते हैं, तो इसकी नेट वेट जो होती है, नेट कॉन्टेंट 180 ml होती है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें कि इसको जो है क्या क्या सारी चीज़ जो है इंग्रीडियंट में देखे बनाया जाता है, तो इसमें जो अगर बात करें कि कौन कौन से जो इंग्रीडियंट होते हैं, तो इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हो टोंड मिल्क होते हैं, यानी कि मिल्क, और इसमें जो है मिल्क सॉलिड शुगर और थोड़ा सा जो है केसर मिलाया जाता है, तो जिसके कारण ये जो केसर फ्लेवर बन जाती है। अगर एलमंड रहते तो एलमंड का फ्लेवर भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और क्या क्या केमिकल दिए गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। और उसके बाद अगर बात करें कि आपको न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के पर 100 ग्राम, अब अगर आप ये मान लीजिए कि 200 ग्राम हो ही गया, ठीक है, 100 ग्राम से अधिक, तो कितना आपको जो है एनर्जी मिलेगा, ये 89 मिलेगा। और आपको प्रोटीन कितना मिलेगा, ये दूध है तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन और आपको जो है कैल्शियम इसमें मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें कि ये कहाँ से बन के आती है, तो गुजरात से बन के आती है। और उसके बाद अगर बात करें कि इसके वैलिडिटी के कितने मंथ के जो इसके वैलिडिटी होती है, यानी कि कितने महीने तक ये चल जाएगा जब से ये मैन्युफैक्चर होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो यहाँ पर आप जब भी परचेस करो तो ऊपर के साइड में यहाँ पर मैंसन किया हुआ रहता है और सारी चीज़ें ऊपर में मैंसन की हुई रहती है। और अगर वैलिडिटी की बात करें तो 6 मंथ की जो इसकी वैलिडिटी होती है, और डे की बात करें तो 180 डेज जो इसकी वैलिडिटी होती है। तो प्लीज़ आप वीडियो को जो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके टेस्ट के बारे में मैं बताऊँगा और आपको मैं बताऊँगा कि आप इसे घर पर बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये बॉटल होती है, और यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके पैक जो है सील लगी हुई होती है, ठीक है। तो मैं इसे जो तोड़ता हूँ और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसे होता है। तो कट की आवाज़ आई, और जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जैसा कि देख पा रहे हो कि आप किस तरह की होती है, ठीक है। तो मैं आपको जो थोड़ा सा ढक्कर में लेके आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये रहा अमूल कूल, तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये इसका टेस्ट कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके टेस्ट की बात करें तो लाजवाब जिंदाबाद एकदम। मुझे जो है वीडियो बनाने से पहले जो मूड फ्रेश फील नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं इसे पिया तो मुझे एकदम ठंडक सी लग रही है, ठीक है। और ये मुझे याद आ गई बचपन की, जब मैं बचपन में कुल्फी खाता था, 5 रुपये 2 रुपये में मिलते थे कुल्फी, जो गिलास में रहते थे उसमें लकड़ी डाल के जो बेचने वाला होता था, और उसके बाद उसे जो है काटता था, ठीक है। तो वो 3-4 पीसेस हो जाते थे और वो जो है बढ़ता था 2 रुपया 5 रुपया इस तरह करके, तो उसी तरह का। तो आप भी जो है इसे बना सकते हो घर में इसका कुल्फी। आपको क्या करना है कि एक गिलास ले लेनी है, उसमें जो 2-4 डंटी आपको लगा देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रिज में दे देनी है और वो जम जाएगा। उसके बाद आप जो उसका आइसक्रीम 1%, 2%, 3% जितना परसेंट खाना चाहते हो आप खा सकते हो। और अगर बात करें कि आप इसे घर में बना सकते हो कि नहीं, तो आराम से आप इसे घर में बना सकते हो। तो आपको क्या करना है कि 1 kg दूध ले लेने और उसको बहुत उबालना है, ठीक है। वो इतना उबालना है कि वो जो है उबल के आधा हो जाए। और उसके बाद क्या करना है कि उसमें जो थोड़ा सा शुगर मिला देनी और थोड़ा सा केसर मिला देना, और जो भी फ्लेवर आप चाहते हो वो मिला दो, और उसके बाद ये जो है तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसे पीने से पहले आपको क्या करना है कि आपको सेक कर लेना, ठीक है। तो क्या होगा कि अच्छी तरीके से ये जो है मिल जाएगी। तो ये थी अमूल की तरफ से आने वाला अमूल कूल केसर, और ये कहा पीने में जो है बहुत ही मस्त लगा मुझे। और आप घर पे भी बना सकते हो, आइसक्रीम भी बना सकते हो इसी का, आप बोतल का, ठीक है। तो ये थे वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा तो प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो बहुत सारे प्ले लिस्ट है हमारे वीडियो पर अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। और कोई भी अगर आपका क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए की वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।